नमस्कार मित्रों, इन्फो कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की बारी है आजादी की तरफ, क्योंकि जीएस के हर सब्जेक्ट का एक इंटरकनेक्शन सिस्टम अंतर संबंध है, तो एक अच्छे कंप्यूटर की पहचान है कि उनके बीच एक आपसी अंतर सामंजस्य बना के चले। हिस्ट्री में स्वतंत्रता संग्राम का वैसे भी अलग से रोल है, इसलिए हर सेक्शन में हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इसने इसको छुआ नहीं। तो समय नलास करते हुए इंडियन स्ट्रगल से संबंधित अच्छे अच्छे क्वेश्चन की सीरीज शुरू करते हैं, जहाँ कॉन्सेप्ट की चीजें होंगी वहां हम समझाएंगे, अदरवाइज आगे बढ़ते जाएं। और इसी उम्मीद के साथ आपका समय शुरू होता है। तो आपकी स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। What were the strength of Indians in the army of the East India Company in 1857? 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीयों की संख्या थी। संख्या से दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बिफोर रिवोल्ट एंड आफ्टर रिवोल्ट। रिवोल्ट से पहले भारतीय सैनिकों की संख्या 238,000 के नियर अबाउट थी, लेकिन जब रिवोल्ट हुआ तो सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। रेशियो था 1:5 का और 5 भारतीय पर 1 अंग्रेज रहते थे और अवध के सैनिक सबसे अधिक थे। इसीलिए जब विद्रोह की इंक्वायरी हुई, एक कमेटी बनाई गई थी, पील कमेटी। उसने सुझाव दिया कि सैनिकों का रेशियो बढ़ाया जाए और उसके आधार पर यह संख्या लगभग आधी हो गई, 1,40,000 के आसपास, और उनका रेशियो हर 2-3 भारतीय के ऊपर 1 अंग्रेज अधिकारी रखा गया। तो इस ऑप्शन में डी आंसर है, 238 ये संख्या होना चाहिए। अगर युद्ध के बाद आ जाता है तो 140 हो जाना चाहिए, और कमेटी पूछी जाए तो पील कमेटी। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त कब शुरू किया गया? When was the permanent settlement introduced in Bengal and Bihar? ये राज्यों की लैंड रेवेन्यू सिस्टम यानी भू राजस्व व्यवस्था है, और ये व्यवस्था वही है जो हमारी पहले से चली आ रही थी। मराठों के समय दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी सिस्टम था, यही व्यवस्था मुगलों ने भी जिंदा रखी, और भारत के हालात के अनुसार अंग्रेजों ने पूरे भारत में 3 प्रकार से सिस्टम अरेंज किए, और उसमें इसका आंसर भी आपको लगभग मिल जाएगा। तो क्योंकि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो कोशिश करिए कि जड़ों पर पानी डालने की आदत डालें, और इस आधार पर अगर देखा जाए कि भारत का एक रफली फिजिकल स्ट्रक्चर है, पूरे भारत के स्ट्रक्चर को हम व्यवस्था के अनुसार अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करें, तो बंगाल बिहार उड़ीसा के इस क्षेत्र में परमानेंट यानी स्थायी बंदोबस्त, साउथ इंडिया में रैयत वारी, और आपका जो नॉर्थ का जो पूरा एरिया है ये यहां पर महल वाड़ी सिस्टम डेवलप था। परमानेंट सिस्टम पूरे भारत के कुछ एरिया का लगभग 19% था, जिसे मेन राज्य आपको दिख रहे हैं उड़ीसा बिहार बंगाल। रैयतवाड़ी में उसमें का बॉम्बे स्टेट और मद्रास स्टेट थे। भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पर यह व्यवस्था रनिंग में थी। अब जो बचता है 30% वो महलवाड़ी था। देखिए तीनों में क्या अंतर है। महलवाड़ी सिस्टम को एक ग्रुप सिस्टम बोलते हैं, यहां पर गांव के गांव एक साथ लगान देते थे, क्योंकि यहां पर कृषि क्षेत्र ज्यादा था। इस व्यवस्था के फादर माने जाते हैं मॉडर्न वर्ल्ड। रैयतवाड़ी दक्षिण भारत में चूंकि प्लेटो पठारी सिस्टम था, तो किसान बिखरे हुए थे, तो पर फार्मर पर किसान अपना टैक्स खुद पे करता था, जमा करता था, इसलिए यहां पर डायरेक्ट किसान ही इसके मीडिएटर थे। यह व्यवस्था शिवाजी ने चालू की थी, उससे पहले मुगलों ने साल चालू की थी, यह व्यवस्था अंग्रेजों ने रखी। मार्ट मुनरो एल्फिस्टन जैसे लोग इस व्यवस्था से जुड़े थे, जो बॉम्बे और मद्रास में इसको लेके आए। रीड भी इसमें आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग परमानेंट सिस्टम
इसकी शुरुआत 1793 से हुई, रैयतवाड़ी 1820 और महलवाड़ी 1822। क्वेश्चन आपका जो है उसके अनुसार आंसर आपका सी होगा। इस व्यवस्था को कॉर्नवालिस और जॉनसोर ने स्टेब्लिश किया। ये लोग चाहते थे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो जमींदार हैं, जो हमारे लैंड होल्डर्स हैं, वो किसानों से लगान कलेक्ट करें, 1/10 या 1/11 अपना हिस्सा लें, बाकी सब जमा करें। सूर्य ढलने से पहले, बिफोर सनसेट, वो पैसा मिल जाना चाहिए, नहीं तो जमींदारों को अपनी जेब से देना पड़ेगा। इसलिए इस व्यवस्था में सबसे ज्यादा लूज खसोट हुई। तो ये क्वेश्चन इसमें बनेंगे। क्वेश्चन आ जाए, सबसे छोटी व्यवस्था पूरे भारत में किस एरिया में थी, तो स्थायी बंदोबस्त कहाँ पे थी, ईस्ट इंडिया। सबसे बड़े स्तर पर सबसे बड़ी व्यवस्था रैयतवाड़ी दक्षिण भारत में, वेस्ट में आया तो महलवाड़ी। तो फात फात के क्वेश्चन आपको उसमें मिल सकते हैं, और इससे ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, आगे की आगे देखी जाएगी, फिलहाल आप पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वेणुगोपाल मंगल पांडे हैंग इन 1857, 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे को कब फांसी दी गई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, क्वेश्चन सही है, ऑप्शन नहीं मैच कर रहे। इसमें होना ये चाहिए था, देखिए 29 मार्च है ये जो है आपका, ये रिवोल्ट ऑफ बैरकपुर है, बैरकपुर छावनी पड़ती है वेस्ट बंगाल में, और मंगल पांडे इसी के एक सोल्डर यानी नायक है, और वेस्ट बंगाल में जब ये शुरू हुआ था तो चर्बी लगे कारतूसकारों ने विरोध किया, और 29 मार्च को उन्होंने विद्रोह किया, बाघ और भीषण की हत्या की। नतीजा यह हुआ कि मंगल पांडे को फांसी हुई 8 अप्रैल को। अब यहां पर 29 मार्च है, तो 29 मार्च को हो जाएगा बैरकपुर का रिवोल्ट, मंगल पांडे को फांसी हो जाएगी, तो क्वेश्चन है 8 अप्रैल, भाई पहले विद्रोह होगा तभी तो फांसी होगी, तो विद्रोह हुआ मार्च में, फांसी हुई अप्रैल में। इसी बात है, इसमें आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस विद्रोह से हुई। सिपाही विद्रोह से हुई, सैनिकों ने चर्बी लगे कारतूसों का विरोध किया, और उसी के आधार पर यह विद्रोह शुरू हुआ। सिंपल है। ए, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या है, द रियल नेम ऑफ नाना साहब, नाना साहब को बोलते थे धुंधु पंत। सी, नाना साहब बाजीराव पेशवा थे, उन्हीं के बेटे थे, वसीम की संधि के आधार पर मराठों ने अंग्रेजों के साथ घुटने टेक दिए थे। 1817-18 में मराठों का विलय हो गया था, और पेशवा को बिठूर के पास विद पेंशन सेटल कर दिया गया, उन्हीं के बेटे थे नाना साहब। डलहौजी ने पेंशन देने से मना किया, इसलिए यह जब विद्रोह शुरू हुआ तो नाना साहब भी विद्रोहियों के साथ शामिल हुए, तो वही नाना साहब है जिनका नाम था धुंधु पंत। सी है। नेक्स्ट, 1857 में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर, सॉरी कब हुई, व्हेन डिड रानी लक्ष्मीबाई डाई, तो वो आंसर होगा 17 जून को अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा किया, उसके वजह से 17 जून को लक्ष्मीबाई का वीरगति को प्राप्त हो जाना। अगला, भारत के पहले वायसराय, यहां पर 2 मिनट हम आपका लेंगे। 1858 के एक्ट के आधार पर, क्योंकि एक विद्रोह हुआ था 57 में, तो वाई 1858 एक्ट अधिनियम 1858 के आधार पर, क्योंकि विद्रोह जब हुआ था तो नवंबर 1858 के आसपास लॉर्ड कैनिंग जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, इलाहाबाद में क्वीन विक्टोरिया का उन्होंने घोषणा पत्र पढ़ा, उसमें बताया कि अब इस विद्रोह को हमने जीत लिया है, और कई परिवर्तन उसमें किए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में अकबर के समय भारत में व्यापार करने आई थी, और लगभग 200-250 साल वो व्यापार कम की खुराफा ज्यादा थी,
तो कंपनी ने भारत कई एरिया को कैप्चर किया था, जीता था। उन्होंने हमारे प्रशासन में इंटरफेयर किया था, चाहे वो अवध हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो बंगाल हो। और यही वजह थी कि विद्रोह जब शुरू हुआ तो ऐसी स्थिति में कंपनी को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। तो 1813 के एक्ट में कंपनी के बिजनेस राइट्स कम किए गए थे। अगर हम शुरुआत थोड़ी पीछे से करें तो 1813 के एक्ट में चीन और चाय को छोड़कर कंपनी के सारे इकोनॉमिकल राइट्स, व्यापारिक अधिकार हटा दिए गए। केवल चीन पर उसका व्यापार रहेगा और चाय के साथ रहेगा। अन्य कंपनियों को भी भारत में मौका दिया गया, क्योंकि हर कंपनी चाहती थी चलो चलो इंडिया चले, हम भी बिजनेस गेन करें। तो 1813 के एक्ट के आधार पर कंपनी के व्यापारिक अधिकारों में कमी आई या मोनोपोली कम हो गई। 20 साल बाद 1833 के एक्ट में न चीन बचा न चाय, कंपनी के आर्थिक अधिकार फाइनली हटा दिए गए और कंपनी बन गई एक पॉलिटिकल प्रशासनिक क्षेत्र की कंपनी, जिसका काम था प्रशासन को मैनेज करना, बिजनेस राइट्स अन्य कंपनियां देखेंगी। उसके बाद एक 58 आया, इस एक्ट में कंपनी के ना आर्थिक अधिकार बचे ना व्यापारिक अधिकार बचे, हम ये कह सकते हैं कंपनी ही नहीं बची। धीरे धीरे कंपनी के पर काटना शुरू किया गया। 13 में इकोनॉमिकल राइट्स कम हुए, 33 में इकोनॉमिकल राइट्स ही हट गए और 58 में ना आर्थिक अधिकार बचे ना प्रशासनिक बचे। विद बैग एंड बैगेज कंपनी को भारत छोड़ना पड़ा। तो इस एक्ट में कंपनी भारत से निकल गई और कंपनी ने जितना एरिया जीता था इसको मैनेज करने के लिए भारत का प्रशासन अंडर ऑफ ब्रिटिश क्राउन, डायरेक्ट महारानी ही भारत के प्रशासन को चलाएंगी। इसके लिए उन्होंने एक नया पद क्रिएट किया, सृजित किया, इंडियन सेक्रेटरी भारत सचिव और उनकी परिषद। वो भारत में महारानी की एज एडमिनिस्ट्रेटर काम करेंगे और भारत के जो गवर्नर जनरल हैं उनका नाम अब हो जाएगा वायसराय। वायसराय और भारत सचिव मिलकर भारत के प्रशासन को देखेंगे। इसलिए इसके बाद जो एक्ट आते हैं उसमें दोनों के नाम फिट हो जाते हैं, जैसे 1909 का मिंटो मार्ले एक्ट और 1919 का मार्टेंगु चेल्सफोर्ड एक्ट। तो यहां पर कई क्वेश्चन निकलेंगे, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वही पहले वायसराय थे, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अंतिम वायसराय माउंटबेटन किस एक्ट के अनुसार वायसराय बने? 1858 के एक्ट के द्वारा। इतनी बातें इसमें आपको बतानी थी। नेक्स्ट, वर्नाक्युलर परेड्स एक्ट का पास हुआ 1878, आंसर इसका होगा। ये एक्ट को बोलते हैं हिंदी में देसी भाषा अधिनियम, जो पेपर अंग्रेजी में पब्लिश होते थे वो सेफ थे, बाकी जो लोकल भाषाओं में छपते थे बंगाली में गुजराती में, अगर वो कुछ भी उल्टा पुल्टा लिखते हैं अंग्रेजों के अंगेंस्ट तो उस पेपर को जब्त किया जा सके। ये एक्ट बनाया था, लागू किया गया था लिटन के समय 1878 में। इसको ला से लिटन, ला से लगाया गया बाद में, और इसी एक्ट के कारण सोम प्रकाश पेपर पर बैन लगा जो बंगाली में था, और अमृत बाजार मैगजीन की जो भाषा थी वो अंग्रेजी से बंगाली में, बंगाली से अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गई। इस एक्ट से बचने के लिए उन्होंने रातों रात अपनी लैंग्वेज ही चेंज कर ली और सोम प्रकाश पहला पेपर था जो इस एक्ट के हत्थे चढ़ा। आगे चलकर के लॉर्ड रिपन आर से रिमूव ने इस एक्ट को रिमूव किया, खत्म किया। तो यहां पर कब पारित हुआ वो तो ठीक है 1878, लेकिन ये एक्ट लगाया गया लिटन के द्वारा और रिमूव किया गया रिपन के द्वारा। दोनों के नाम एक जैसे हैं, पिच एक जैसी है, पिछलन एक जैसी है। ऐसा ना हो कि एग्जाम तक आते आते रिपन लगा दें और लिटन हटा दें। तो ध्यान रखना है लिटन लगाएंगे और आज रिपन रिमूव करेंगे रिपन। इतनी बातें इसमें ध्यान रखना। 1857 की क्रांति मुख्य रूप से भारत में कहां तक रही, क्या कहां तक सीमित रही, उसका जो मेन एरिया है वो पूछा गया। फिगर आपके सामने बना है, देखिए ध्यान ये रखना है कि ये विद्रोह साउथ इंडिया में तो था ही नहीं, साउथ इंडिया में इस विद्रोह की आंच नहीं पहुंची थी। ये विद्रोह हमारा उत्तर भारत में सक्रिय था तो साउथ में तो हुआ ही नहीं। तो इसमें ना तो डी आंसर होगा, दक्षिण दिया है, और ना ही ए आंसर होगा दक्षिण। अब बचता है बी और सी, पश्चिमी और पूर्वी, उत्तरी और मध्य।
उत्तरी और सेंट्रल। इस विद्रोह की जो आज थी, जो सेंट्रल था वो अवध क्षेत्र था मध्य में, और इसी आधार पर यहां से लेकर के जब हम पश्चिम में जाएंगे तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये पूरा एरिया इसमें आ जाता है। कई कई हद तक, कुछ हद तक असम वगैरह में जैसे मणि दत्त हैं मिलते हैं, लेकिन इसका पूरा एरिया था पश्चिमोत्तर भारत। तो उत्तर और मध्य, इसका सी आंसर सबसे सही होना चाहिए। तो साउथ में नहीं था, तो उत्तर में था और पश्चिम में था, मध्य में था। कलकत्ता में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? एक्ट 73 के अकॉर्डिंग बी भारत में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट आया, और जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एमपी, तीन इसमें अन्य न्यायाधीश थे सेमेस्टर, हायर्ड और लेमेस्टर। आगे चलकर के अधिनियम 1935 के आधार पर वाई एक्ट 1935 भारत में दिल्ली जब राजधानी बनाई गई, संघीय न्यायालय बना जिसको आज हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से भारत में दो क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया फर्स्ट टाइम, तो आप लगाएंगे 1773 का एक्ट जिसने कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय भारत को दिया। लेकिन दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो संघीय न्यायालय है, उसके लिए हमें अधिनियम 1935 को याद करना पड़ेगा। तो यहां चूंकि कलकत्ता दिया है तो आंसर होगा 1773। इतनी बातें आज है, उम्मीद करते हैं तो समझ में आया होगा। जहां जहां डाउट हुआ करें वहां वहां आप बुक्स को खोल लिया करें, कोई सुझाव, क्योंकि टीचिंग में क्या होता है, कुछ आप सीखते हैं, कुछ पढ़ाते पढ़ाते हम सीखते हैं। कोई भी बात जो और समझानी है उसको आप मेंशन कर सकते हैं, और अपने को भी मोटिवेट करें, हम लोगों को भी मोटिवेट करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ध्यान रखें। आगे फिर मिलेंगे। नमस्कार।